तो चार पंक्तियां मैं रखती हूँ और एक मुक्तकों की श्रृंखला है, आप सभी का विशेष उस पर आशीर्वाद चाहूंगी। बिल्कुल बढ़िया पढ़ रहे। मुक्तकों की श्रृंखला में छोटी सी भूमिका बनाना चाहूंगी कि एक नायिका है जिसका विवाह सैनिक से होता है और कैसे भाव लेकर वो ससुराल आती है और क्या क्या घटित होता है, चार चार पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को निवेदित करूंगी। और बिल्कुल आप सभी का मन चाहूंगी, अभी तक बस मैंने जुड़ने का प्रयास किया था, अब अगर मैं कुछ लिख पाऊंगी या कुछ आप सब तक रख पाऊंगी तो ये मेरी वास्तव में मेरी कलम सार्थक होगी यहाँ से। बिल्कुल पढ़िए। एक नायिका जब विवाह करके अपने घर आती है, ससुराल आती है, देखिए क्या विश्वास वो लेकर आती है। गांव से अपने तेरे नगर आ गई, अच्छी बात, छोड़ माँ बाप भाई इधर आ गई, उस सात वचनों का करके भरोसा पिया, सात वचनों का करके भरोसा पिया, हो के घर से विदा तेरे घर आ गई, हो के घर से विदा तेरे घर आ गई। सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पर गया है। अब देखिए एक नायिका, एक पत्नी क्या भाव रखती है। मौसम सुहाना है और वो अपने नायक को याद कर रही है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आज मौसम सुहाना चले आइए, दिल हुआ है दीवाना चले आइए, कब तलक मैं जीऊंगी भला आस में, कब तलक मैं जीऊंगी भला आस में, करके कोई बहाना चले आइए, करके कोई बहाना, बहुत प्यारी बात, बहुत चले आइए। और जब अकेलापन होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में भले ही सब भरे रहें, अगर आपका नायक, आपका पति, आपका प्रेमी अगर आपके साथ नहीं है तो एक दिल का कोना जो होता है सूना होता है, उस सूनेपन को ध्यान में रखते हुए चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। दीदी सुनिएगा। बिल्कुल, किसको डांटे आदमी। सही है, पढ़िए पढ़िए। दिल के सूने भवन में चले आइए, बन के आंसू नयन में चले आइए, लाइने बन के मूरत सजन उम्र भर के लिए, बन के मूरत सजन उम्र भर के लिए, मेरे मंदिर से मन में चले आइए, मेरे मंदिर से मन में चले आइए। और श्रृंगार किसके लिए किया जाता है, सभी माताएं बहनें समझ रही हैं, श्रृंगार जिसको दिखाने के लिए किया जाए, और अगर वही घर में ना हो तो दर्पण देख के देखिए कैसे याद आती है और किसकी याद आती है। बिल्कुल। उर का मधुबन पुकारे चले आइए, मेरा अंजन पुकारे चले आइए, है अधूरे वचन और प्यासे नयन, है अधूरे वचन और प्यासे नयन, एक जोगन पुकारे चले आइए, जोगन पुकारे चले आइए। सौम्य श्रृंगार, बहुत अच्छा, एक बार तालियां बजा दें। बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद इतने मधुर मुक्तक और बिल्कुल सौम्यता के साथ। और सावन की फुहार, रिमझिम बारिश, क्या बात। और नायक सरहद पर है,
अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन कर रहा है, तब चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि कैसे एक नायिका सावन में अपने नायक को याद करती है, अपने फौजी पिया को याद करती है। स्वागत। बीत जाए न सावन चले आइए, जल रहा है ये चंदन चले आइए, मेरे फौजी पिया आपके बिन मुझे, मेरे फौजी पिया आपके बिन मुझे व्यर्थ लगता है जीवन चले आइए, व्यर्थ लगता है जीवन चले आइए, व्यर्थ बहुत बढ़िया है जीवन चले आइए। और करवा चौथ महिलाओं का विशेष त्योहार, और करवा चौथ पे अगर पति दूर हो तो चार पंक्तियां वो नायिका क्या कह रही है सुनिएगा। स्वागत। रात पूनम की आई चले आई, शून्य में बन दहाई चले आइए, चौथ नजदीक है मेरे फौजी पिया, चौथ नजदीक है मेरे फौजी पिया, जीत करके लड़ाई चले आइए, करके लड़ाई सार्थक पंक्तियां, सार्थक पंक्तियां, जीत कर के लड़ाई चले आइए। सरहद पर युद्ध हो रहा है, सैनिक ने विजय पताका तो फहराई लेकिन शहीद हो गया। अब यहां से आप सभी का मन चाहूंगी, आप सभी का विशेष आशीर्वाद चाहूंगी। सैनिक सरहद पर शहीद हो गया और सूचना घर तक आती है, सुनिएगा आप सभी का विशेष आशीर्वाद इस पे चाहूंगी। घर पे फोन आता है, फोन दुर्भाग्य से पत्नी उठाती है, पता चलता है कि आपके पति वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, सुनिएगा क्या भाव रहते हैं। विधायक जी का, विधायक जी का बजा दीजिए। सर आप अगली बार भी आप ही जीतेंगे, पक्का हो गया। हाँ, राजनीति में विधायक और ऐसा पक्का वायदा करके जाए, लौट आवे, बड़ी बात है। सर सर आपका स्वागत है। ऐसा तो नहीं कि इनने 10-12 बार कहा चले आइए तो आप चले आए, होता है असर होता है। सर एक दो और मुक्तक बोलिए तो शायद SDM साहब भी आ जाएं। चले आइए। हाँ बहुत शानदार पढ़ रहे प्रीति जी, बहुत बढ़िया पढ़ रहे। फोन आता है घर पे, सैनिक शहीद हो गया है, दुर्भाग्य से फोन पत्नी ने उठाया और क्या भाव हो रहे हैं सुनिएगा। स्वागत। कैसे समझाऊं मन तुम नहीं आओगे। क्या मोड़ है, क्या मोड़ है, वाह वाह। कैसे समझाऊं मन तुम नहीं आओगे, अब निभाने वचन तुम नहीं आओगे, अब निभाने वचन तुम नहीं आओगे। फोन आया था फौजी शहीद हो गया, फोन आया था फौजी शहीद हो गया, कैसे मानूं सजन तुम नहीं आओगे, कैसे मानूं सजन तुम नहीं आओगे। पार्थिव शरीर घर आया है, देखिएगा क्या हाल घर का है, क्या पढ़ रहे हो और क्या स्थिति है उस घर की, एक पत्नी क्या कह रही है। स्वागत। रो रहा घर है सारा चले आइए,
जल रहा दिल हमारा चले आइए, रो रहा घर है सारा चले आइए, जल रहा दिल हमारा चले आइए, सारा जीवन रहूं व्रत तुम्हारे लिए, सारा जीवन रहूं व्रत तुम्हारे लिए, मेरे बन के दोबारा चले आइए, मेरे बन के दोबारा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, एक बार तालियां झूम के, बहुत अच्छे प्रीति, बहुत शानदार पद चले आइए, बन के दोबारा चले आइए, क्या बात है। पति के बिना जीवन क्या होता है, हम लोग चार दिन शहीदों के बारे में नारे लगाते हैं, कुछ दिन मोमबत्तियां जलती हैं, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को कष्ट होता है तो उस पत्नी को, उस माँ को, बिल्कुल चार पंक्तियां मैं रखती हूँ कि एक शहीद के बाद उसकी पत्नी का जीवन कैसे होता है। क्या बात है। एक बुलबुल ने फिर गीत गाया नहीं, प्रेम को उसने अब तक भुलाया नहीं, क्या बात। एक बुलबुल ने फिर गीत गाया नहीं, प्रेम को उसने अब तक भुलाया नहीं, और रंग जीवन से उसके सजन ले गया, रंग जीवन से उसके सजन ले गया, श्वेत जीवन में फागुन फिराया नहीं, श्वेत जीवन में फागुन फिराया नहीं, श्वेत जीवन में फागुन फिराया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत आभार।